हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। सो गाइस, आज के लेक्चर नंबर 30 यानी इकोनॉमी का जो सेकंड सेगमेंट है उसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिकली क्रॉप्स के बारे में। जैसे हम जानते हैं क्रॉप्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। तो हम इस लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे कि इम्पॉर्टेंट सीरियल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उनका इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है, किस एरिया में बेसिकली उनको ज्यादा लगाया जाता है, मतलब इंडिया में इसको कवर करने वाले हैं कि इंडिया के मेजर स्टेट्स कौन कौन से हैं सीरियल्स के लिए, पल्सेस के लिए, ठीक है, ऑयल सीड्स के लिए। ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन वाइज, प्रोडक्टिविटी वाइज मेजर सीरियल्स कौन कौन से हैं, मिलेट्स कौन कौन से हैं, पल्सेस कौन कौन से हैं एंड ऑयल सीड्स कौन कौन से हैं इंडिया के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वेरी फर्स्ट टॉपिक को, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ सीरियल्स, ठीक है। तो सीरियल जो वर्ड है उसको डिराइव किया गया है एक वर्ड से, सीरी से, CERES, ठीक है, जिसका मतलब होता है रोमन गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। मतलब सीरीज जो वर्ड है उसी से बना है सीरियल, जो कि जिसका मतलब होता है रोमन गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट एंड एग्रीकल्चर। जो सीरियल है यानी जो सीरियल्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं फैमिली से पोएसी से, ठीक है, जिसको ग्रास फैमिली कहते हैं। और बेसिकली जो सीरियल्स होते हैं वो मोनोकॉट है, ठीक है, और जो पोएसी फैमिली है उसको कभी कभी हम ग्रामिनी भी कहते हैं, ठीक है, ग्रामिनी फैमिली, ठीक है। अब सीरियल्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीरियल्स में वीट है, राइस है, तो इसका कल्टीवेशन हम क्यों करते हैं, मतलब इसका कौन सा पार्ट एडिबल है, तो जो उसका एडिबल पार्ट है वो है ग्रेन, ठीक है। आप नॉर्मल वर्ड में इसको सीड कह सकते हो, ठीक है। तो जो इसका एडिबल कॉम्पोनेंट है सीरियल्स का वो है ग्रेन, और उसको बोटानिकली अगर हम बात करें तो वो एक फ्रूट होता है जिसको हम कैरियोप्सिस कहते हैं, ठीक है। अब एक कैरियोप्सिस में अगर बात करें, यानी अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, अगर एक सीड का बात करें, सीरियल के एक सीड का, तो उसका कंपोनेंट होता है, ठीक है। जो कंपोनेंट कौन कौन सा है, कंपोनेंट है एंडोस्पर्म, जर्म एंड ब्रैन। अब क्या है ये, तो ब्रैन जो होता है आउटर मोस्ट लेयर है ग्रेन का, ठीक है, फाइबर फिल्ड आउटर लेयर होता है जिसमें विटामिन बी होता है और मिनरल प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो सबसे बाहर हो गया ब्रैन जो कि फाइबर का लेयर है, ठीक है, फाइबर फिल्ड आउटर लेयर है। फिर आता है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म क्या है, स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट है, मिडिल लेयर है, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं कुछ, ठीक है। तो आउटर लेयर ब्रैन, फिर हो गया इंडोस्पर्म, और जो सबसे इनर लेयर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट पैक्ड लेयर कहते हैं या फिर जिसको कोर कहते हैं, वो होता है जर्म, GERM, ठीक है। उसमें होता है हमारा विटामिन बी, विटामिन ई, ठीक है, बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं और हेल्दी फैट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे जो कंप्लीट जो सीरियल का पैक है यानी जो ग्रेन है वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, अलग अलग विटामिन प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सीरियल ग्रेन जो है उसको हम लार्जर क्वांटिटी में ग्रो कराते हैं, यानी उसका जो कल्टिवेशन है लार्ज लेवल पे किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है मोर फूड, ठीक है, टू दी वर्ल्ड। मतलब कहने का मतलब है कि ये एज अ स्टेपल फूड यूज किया जाता है, यानी जो सीरियल है उसको हम स्टेपल क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है, मतलब अदर क्रॉप्स अगर कंपेयर करें तो इनका जो कल्टीवेशन है ज्यादा किया जाता है, ठीक है। अगर हम नेचुरल फॉर्म में अगर बात करते हैं, नेचुरल फॉर्म मतलब जैसे हमने सीड को सिर्फ निकाला प्लांट से, यानी होल ग्रेन, ठीक है, तो वो रिच सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का, मिनरल्स का, फैट्स का, अच्छे यानी एसेंशियल ऑयल्स का एंड प्रोटीन्स का, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो सीरियल्स को अच्छा सोर्स कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट का। जैसे पल्स को हम लोग क्या कहते हैं, पल्सेस आगे हम डिस्कस करेंगे, पल्सेस को ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन कहते हैं, उसी तरीके से सीरियल्स को ग्रेट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अलग अलग अच्छे अच्छे विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं, फैट्स भी हैं, ऑयल्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी ग्रेन को नेचुरल फॉर्म में ना रखे, अगर इसको हम रिफाइन कर देते हैं, यानी रिफाइन कहने का मतलब है आउटर लेयर हटा दिया, रिमूवल ऑफ ब्रैन, ठीक है, एंड फिर जर्म को भी हटा दिया, ठीक है, तो रिमेनिंग जो क्या बचा हमारे पास, इंडोस्पर्म, उसमें मोस्टली कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, लेकिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तो है मोस्टली, लेकिन वो क्या है, वो बर्बाद हो गया, बर्बाद इन द सेंस मोस्टली जो मेजोरिटी ऑफ अदर न्यूट्रिएंट है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, क्योंकि हमने ब्रैन और जर्म को हटा दिया है। अगर डेवलपिंग नेशंस के बारे में बात करें तो ग्रेन इन द फॉर्म ऑफ राइस है, ठीक है, जैसे हमारे इंडिया डेवलपिंग एक कंट्री है, तो उसमें राइस, व्हीट, मिलेट, मेज, वो मेजर सीरियल्स को कंस्टिट्यूट करते हैं, यानी मेजर जो सीरियल्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज के वो है राइस, व्हीट, मिलेट, मेज, ठीक है। और इनका जो
जो डेली कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब इनको जनरली डाइट में हम जो डेवलपिंग कंट्रीज के लोग हैं उसको यूज़ करते हैं, लेकिन अगर डेवलप कंट्रीज में अगर बात करें तो सीरियल कंजम्पशन इज मॉडरेट, यहाँ जैसा नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज जैसा नहीं है। ठीक है, ग्लोबली अगर हम बात करें तो मोर देन 2000 मेट्रिक टन ऑफ सॉरी मिलियन टन ऑफ सीरियल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अबाउट 700 मिलियन हेक्टेयर विद एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ 3000 kg पर हेक्टेयर। कहने का मतलब क्या है, अगर ग्लोबली अगर हम बात करते हैं तो 2000 मिलियन टन से भी ज़्यादा सीरियल्स का प्रोडक्शन होता है। टोटल जो लैंड एरिया बताया गया है डेटा में वो है 700 मिलियन हेक्टेयर से भी ज़्यादा, जिसका एवरेज प्रोडक्टिविटी है 3000 kg पर हेक्टेयर, मतलब जो लैंड है पर हेक्टेयर उससे 3000 kg ऑफ सीरियल्स को हम क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं या फिर हमें उससे हार्वेस्ट करके मिलता है। आई होप आपको जो सीरियल का इंपॉर्टेंस है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है पल्सेस। ठीक है, पल्सेस जैसे सीरियल जो वर्ड है वो सीरी से डिफाइन हुआ है, उसी तरीके से पल्सेस जो है आर डेराइव हुआ है, उसी तरीके से पल्सेस जो है डेराइव हुए हैं एक वर्ड से जिसको हम लोग कहते हैं, एक लैटिन वर्ड से हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं पल्स, PULS, जिसका मीनिंग होता है पैप या फिर थिक पैप। ठीक है, जैसे वहां पे जो हमारा सीरियल हुआ था होता था वो पोएसी फैमिली यानी ग्रामिनी फैमिली से बिलोंग करता था, वैसे पल्सेस जो है वो फैबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, पल्सेस बेसिकली कहते किसको है, पल्सेस में भी डिफाइंड एज ड्राइड एडिबल सीड्स ऑफ कल्टिवेटेड लेग्यूम्स। ठीक है, जो लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं उनके ड्राइड एडिबल सीड्स जो होते हैं उसी को हम पल्सेस कहते हैं। ठीक है, इनका जो फैमिली है ठीक है वो फैबेसी है, जिसमें आता है हमारा पी, बीन्स, लेंटिन्स, लेंटिल्स वगैरह जो है वो पल्स फैमिली के अंदर यानी फैबेसी के अंदर आते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश वर्ड जो पल्स है जैसे मैंने बताया कि उसको एक लैटिन वर्ड पल्स PULS से लिया गया, जिसका मतलब होता है थिक पैप। ठीक है, पल्सेज आर द लार्ज फैमिली एंड वेरियस स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन वेरी डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सॉइल। पल्सेज जो है बहुत ही अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में और डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस यानी जो सॉइल का कंडीशन है डिफरेंट कंडीशन में भी ग्रो कराया जाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो पल्सेज हैं वो ऐसे भी कंडीशन में ग्रो कर जाएगा जहाँ पे थोड़ा सा वाटर का स्कैर्सिटी है। ठीक है, पल्सेज आर कल्टिवेटेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे आर दे ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन ह्यूमन डाइट। ठीक है, जैसे हमारा जो सीरियल है स्टेपल क्रॉप है, उसके साथ साथ हम देखते हैं अगर आप जनरल इंडिया में देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे राइस के साथ हम जो पल्सेज हैं उसको भी कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हमारा जो डाइट होता है वो बैलेंस डाइट होता है। ठीक है, तो हमने जब सीरियल लिया है तो हमें एक अच्छा अमाउंट कार्बोहाइड्रेट का मिल रहा है, पल्स लेंगे तो पल्स में पल्सेज अगर हम लेते हैं तो उनमें क्या है अच्छा अमाउंट क्या है हमारा प्रोटीन का है। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट प्लेस है ह्यूमन डाइट में पल्सेज का। इन इंडिया स्पेशली पीपल हु आर मोस्टली वेजिटेरियन डिपेंडेंट लार्जली ऑन दी सीरियल्स एंड पल्सेज एज देयर स्टेपल फूड। ठीक है, क्योंकि ये मेन सोर्स है डाइटरी प्रोटीन एंड एनर्जी का। ठीक है, पल्सेस कंटेन मोर प्रोटीन देन अदर प्लांट, ऐसा नहीं है, एक कंफ्यूजन दूर रखना, ऐसा नहीं कि पल्सेस में प्रोटीन, हम पल्सेस को प्रोटीन का सोर्स कहते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रोटीन जो है और किसी में नहीं प्रेजेंट होता है। अगर हम पल्सेस में बात करें तो प्रोटीन से ज्यादा तो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हम पल्सेस को कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम प्रोटीन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पल्सेस आर दी ओनली क्रॉप्स जिनमें प्रोटीन का अमाउंट सबसे ज्यादा है, इसीलिए हम पल्सेस को रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अगर हम पल्सेस में बात करें तो अप्रॉक्स अप्रॉक्स 50-60% ऑफ कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पल्सेस कंटेन्स मोर प्रोटीन देन अदर प्लांट। ठीक है, दे सर्व एज अ लो कॉस्ट प्रोटीन। अगर हम बात करें जो जो हमारे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं जो रेगुलर प्रोटीन यानी मीट नहीं खरीद सकते, ठीक है, तो उनके लिए क्या है लो कॉस्ट प्रोटीन होता है, इसीलिए हम जो पल्सेज हैं उनको द पुअर मैंस मीट भी कहते हैं। जो पल्सेज हैं उनमें जो मॉइस्चर कंडीशन होता है कंटेंट होता है वो कम होता है। ठीक है, एंड हार्ड टेस्ट को ये क्या करता है या फिर जो सीड कोट जो है वो परमिट करता है स्टोरेज फॉर, मतलब उनका जो पल्सेज है उनका जो सीड कोट है वो बहुत हार्ड होता है और वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या है कम है, तो मॉइस्चर जहाँ पे कम है वहाँ पे इन्फेक्शन रेट भी क्या होगा कम होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर ड्राई पल्स है पल्सेज हैं, मेनी ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर देयर ग्रीन एडिबल पॉड्स। जैसे हम जानते हैं बहुत सारे पल्सेज हैं जिनको ग्रीन, जैसे पीज है ठीक है, ग्रीन पीज है ठीक है, वो ही फैबेसी से बिलोंग करता है, तो पल्सेस को वो डिपेंड करता है कि पल्सेस का हम यूज किस टाइम पे कर रहे हैं, अगर ड्राई सीड्स के कंडीशन में है तो पल्सेस कहलाएगा। ठीक है, अदर हम ग्रीन पीज वगैरह भी यानी ग्रीन एडिबल पॉड्स भी हम बहुत सारे क्रॉप्स का यूज करते हैं जो कि अनराइप सीड्स होते हैं।
न्यूट्रिशनली अगर बात करें, न्यूट्रिशन वाइज बात करें, तो इमैच्योर फ्रूट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, देन मैच्योर सीड्स. द प्रोटीन कॉन्टेंट इज लोअर. अगर इमैच्योर सीड्स अगर बात करें तो प्रोटीन कॉन्टेंट कम होगा, ठीक है, लेकिन रिलेटिवली अगर बात करें तो रिचर होगा सम क्रॉप्स में देन दी पल्सेस. कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ों में जो हमारा ग्रीन एडिबल पॉट्स है वो ज़्यादा बेटर है, और प्रोटीन के केस में अगर हम बात करें तो जो हमारा ड्राइड पॉट्स हैं यानी जो ड्राइड एडिबल सीड्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यानी इम्पॉर्टेंस है उनका ज़्यादा, ठीक है. अगर इन जनरल बात करें तो पल्सेस में 20 to 28% ऑफ प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है. अगर एक्सेप्शन बात करें जो याद रखना है, सोयाबीन, ठीक है, उसमें 42% तक हमारा प्रोटीन कॉन्टेंट होता है. कार्बोहाइड्रेट कॉन्टेंट बात करें तो 60% तक होता है, ठीक है. अगर एक्सेप्शन बात करें तो सोयाबीन में ओनली 30% ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, क्योंकि वहाँ प्रोटीन कॉन्टेंट ज्यादा है, ठीक है. पल्सेज आर ऑल्सो फेयरली गुड सोर्स ऑफ थियामीन एंड नियासिन. ये दोनों क्या है, ये दोनों एमिनो एसिड्स हैं एंड प्रोवाइड कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, ठीक है. ये अच्छे सोर्स हैं हमारे कैल्शियम के, फॉस्फोरस के, आयरन के, ठीक है. ऑन एन एवरेज अगर हम 100 ग्राम ऑफ पल्स को कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें टोटल 345 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलता है, ठीक है. अगर हम 100 ग्राम में, अगर हम बाई परसेंटेज बात करें तो 100 ग्राम में 24.5 ग्राम प्रोटीन होता है, 140 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम होता है, 300 मिलीग्राम ऑफ फॉस्फोरस होता है, 8 मिलीग्राम ऑफ आयरन होता है, 0.5 मिलीग्राम ऑफ थियामिन, 0.3 मिलीग्राम ऑफ राइबोफ्लेविन एंड 2 मिलीग्राम ऑफ नियासिन. तो ये पल्सेस का भी इंपॉर्टेंस देख रहे हो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमें अमीनो एसिड, बहुत सारे विटामिन जो है वो हमें पल्स से मिलता है, ठीक है. तो आई होप यहाँ पे मैंने एक इमेज ऐड किया, यहाँ पे बहुत सारे हमारे यहाँ पे पल्स ग्रुप के भी जो भी क्रॉप्स हैं उनके जो ड्राइड सीड्स हैं वहाँ पे यूज किए गए, मतलब यहाँ पे हमने मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है. सो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है ऑयल सीड्स, ठीक है. ऑयल सीड्स क्या होता है, ऑयल सीड्स आर इम्पॉर्टेंट एज पल्स इन दी कंट्री, यानी पल्सेस की तरह ऑयल सीड भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है. लेकिन अब देखो ऑयल सीड नाम ही है तो ये ऐसे क्रॉप है जिनसे हम ऑयल को हार्वेस्ट करते हैं, यानी ऑयल निकालते हैं, ठीक है. अगर मेन अगर हम ऑयल सीड्स के बारे में बात करें तो ग्राउंडनट है, रेप सीड है, मस्टर्ड सीड्स है, जिनका हम यूज करते हैं ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है. अगर हम बात करें तो जो हमारा जो मेनली ऑयल सीड है ये क्या होते हैं, खरीफ क्रॉप्स होते हैं, ठीक है. लेकिन कुछ कुछ क्रॉप है जो रबी क्रॉप भी होते हैं, ठीक है. फंडामेंटली अगर हम बात करें तो जो ऑयल सीड्स हैं वो नन इरिगेटेड एरियाज में ही लगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर कम होता है और ऑयल कंटेंट वहाँ पे वैसे वहाँ वाले क्रॉप में ज़्यादा होता है. एज अ रिजल्ट देयर प्रोडक्शन एज वेल एज द प्रोडक्टिविटी सब्जेक्ट टू क्लाइमेटिक वेरिएशंस एंड मार्केट हाइपोथेसिस. कहने का मतलब है इनका जो प्रोडक्शन है या फिर प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करता है क्लाइमेटिक वेरिएशंस पे और मार्केट हाइपोथेसिस पे. मार्केट हाइपोथेसिस कहने का मतलब है कि मार्केट में डिमांड किस तरीके का है, ठीक है. तो अदर ऑयल सीड्स जो है अगर बात करें तो सीसम है, लीन सीड है, कैस्टर सीड है, सैफ्लावर है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, कॉटन सीड्स, कॉपरा, बहुत सारे हैं ऑयल सीड्स जिनको हम यूज कर सकते हैं ऑयल एक्सट्रैक्शन में. रैप सीड एंड मस्टर्ड सीड्स बिलोंग अगर बात करें तो वीट बेल्ट जो है नॉर्थ इंडिया का और सेंट्रल इंडिया का वहां पे लगाया जाता है. ग्राउंड नट अगर हम बात करते हैं तो उसको हम वेस्ट बंगाल और साउथ इंडिया में लगाते हैं, ठीक है. गुजरात इज द डोमिनेंट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट. ग्राउंड नट का केस है तो गुजरात जो है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है. वाइल द पॉपुलेशन हैज, जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं पॉपुलेशन जो है वो हर साल 2% बढ़ रहा है इंडिया का, ठीक है. और उसी हिसाब से अगर हम देखें तो डिमांड जो है 5% बढ़ रहा है ऑयल सीड्स का पर ईयर. तो 2% पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है और साथ साथ 5% जो राइज है ऑयल सीड्स का डिमांड जो है मार्केट में वो बढ़ रहा है, ठीक है. मैं आपको एक डेटा से समझाता हूँ कि मेरे पास एक चार्ट है राइस का जिसमें जो एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में बात किया गया है, ठीक है. तो इस चार्ट से बस आपको ये समझाने से कोई डेटा याद नहीं रखना, ये जो डेटा है वो डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपोरेशन 2010-11 का है. इसमें आप यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ पे एक एरिया का कॉलम है, ठीक है, एक प्रोडक्शन का कॉलम है, एक प्रोडक्टिविटी का कॉलम है. तो अगर आप देखोगे तो राइस के लिए जो एरिया है, एरिया कहने का मतलब है सबसे ज्यादा एरिया जो यूज किया जाता है पूरा वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, सबसे ज्यादा 5.63 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है, लैंड एरिया है, वो यूज किया जाता है राइस कल्टीवेशन में. अगर एरिया वाइज हम देखते हैं उस टाइम पे तो वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा एरिया उसका यूज होता था. सेकंड में उत्तर प्रदेश एंड थर्ड में तमिलनाडु, सॉरी थर्ड में उड़ीसा, ठीक है. ये जो रैंक्स है वो चेंज होता रहता है, हर डेटा हर एवरी ईयर जब डेटा निकलता है तो ये जो चीजें हैं रैंक जो है चेंज करती रहती है, लेकिन आप मेजर स्टेट्स देख सकते हैं उनसे, ठीक है. दूसरा है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन्स टोटल प्रोडक्शन, उस स्टेट से टोटल कितना
केजी प्रोडक्शन हो रहा है, मिलियन टन्स में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो ये प्रोडक्शन उस चीज को कहते हैं। उसमें रैंक अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल सबसे आगे था, उसके बाद पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब है कि पर यूनिट लैंड हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ठीक है। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो जो सबसे आगे था पंजाब था प्रोडक्टिविटी में, क्योंकि वहाँ के जो फार्मर्स भी स्किल्ड हैं, वहाँ पे ज्यादा डेवलप्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं। सेकंड रैंक पे हमारा था तमिलनाडु एंड थर्ड रैंक पे था हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आई होप बच्चे आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है इस लेक्चर में तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। टिल देन स्टे ट्यून। आप साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप हमसे वहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और साथ साथ कॉमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को। अगर किसी को भी इस लेक्चर का पीडीएफ या पीपीटी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से इसको डाउनलोड कर सकता है। यहाँ पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दिया है कि आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल यूज करने के लिए, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। अगर नहीं तो आप ये टाइप करोगे टेलीग्राम पे तो आपको हमारा ग्रुप ऑलरेडी मिल जाएगा, या फिर सिंपली आप गो फॉर एग्रीकल्चर सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।